क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन कह रहा है एक चार्ज क्यू है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है और एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कितनी हुई, 2i कैप मीटर पर सेकेंड, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके टेस्ला। तो वो कह रहा है देन द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चार्ज किधर फोर्स महसूस करेगा, तो सिंस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज जाता है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो अब आ जाइए, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, क्यू तो हमें नहीं दे रखा, हम एग्जैक्टली फोर्स की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन हम फोर्स का प्लेन निकाल लेंगे। पता ना वी, वी वैक्टर दे रखा है 2i कैप, ओके वी, वी वैक्टर की वैल्यू है क्रॉस, ठीक है, क्रॉस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट करना आता हो तो जब हम इसका इससे करेंगे, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू 2i का इससे करेंगे तो ये नल वेक्टर हो जाएगा, या फिर आप एक कैसा करिए, ठीक है, जिसको डायरेक्ट आता है वो तो कर लेगा, लेकिन आप वी क्रॉस एक काम करते हैं, वी क्रॉस भी निकालते हैं, केवल वी क्रॉस भी निकालते हैं, तो आपको पता होगा ना आई जे के ऐसे करके आई वी की वैल्यू, ठीक है, तो आई कंपोनेंट कितना है इसका, आई कंपोनेंट है इसका 2, जे कंपोनेंट 0, के कंपोनेंट 0, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1, 2, 3 इस तरीके से दे रखा है, तो हम पहले वी क्रॉस बी निकाल लेते हैं, तो वी क्रॉस बी आई, ठीक है, ये आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो आई का ब्रैकेट लगा के ये इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 0 माइनस 0, फिर माइनस जे कैप, इसको ऐसे ले लीजिए, इसको ऐसे ले लीजिए, इसको बंद, तो 2, 3 जा 6 माइनस 0, फिर प्लस के कैप, इसको बंद कर दीजिए, 2, 2 जा 4, तो आप देख सकते हो आई कैप तो खत्म हो गया, ये आ रहा है माइनस सिक्स जे कैप और प्लस 4 के कैप, तो इसका मतलब जो वी क्रॉस बी आ रहा है वो -6j + 4k कैप, यानी वाई जेड प्लेन आ रहा है, वाई जेड प्लेन चेक करिए, क्योंकि जो वी क्रॉस बी है, सिंस जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है, क्यू और आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे यदि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, पर फोर्स की डायरेक्शन तो वी क्रॉस बी डिसाइड करेगी ना, तो जिधर वी और बी का प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर, तो जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही वो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में आएगी, ठीक है ना, वी क्रॉस बी, और वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रही है -6j + 4k, यानी ये y कंपोनेंट आ रहा है, z कंपोनेंट आ रहा है, y z प्लेन आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा a, y z प्लेन, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।